हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अभी टाइम की बात कर तो 7:08 हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई जोन की ओर जोमेटो में काम करने के लिए आज। और भाई आज संडे है, 26 मार्च है भाई, ठीक है। तो आज भाई काम करने वाला लगभग जोन में पहुंचूंगा, तब तक लगभग 7:15 हो जाएगी, ठीक है। 7:15 तक मैं लॉग इन होऊंगा और उसके बाद काम करने वाला हूँ भाई 7:15 से लेकर 12 बजे तक। तो इतने समय के बीच में काम करने वाला हूँ, तो आज देखते भाई संडे में कितनी क्या अर्निंग होती है और हमारा जो टारगेट है इंसेंटिव का वो पूरा होता है या नहीं होता, ठीक है। 350 रुपये का टारगेट है, उसमें 125 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो देखते भाई आज कि अपना टारगेट पूरा होता है या नहीं होता। जो भी अपडेट होगी भाई टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए भाई मिलते हैं आप लोगों से जोन में लॉगिन होने के बाद। आज भाई आप लोग देख सकते हो थोड़ा मतलब प्रकाश है, क्योंकि अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ। जैसे जैसे मतलब गर्मियों की सीजन आ रही है, वैसे वैसे दिन मतलब दिन की टाइम जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई सेल्फी कितनी क्लियर आई है और अभी इसको अपलोड कर लेते हैं। तो आज भाई खुद ही ट्राई कर लिया जोमेटो के एल्गोरिथम ने, और जोमेटो का जो कैमरा होता है इनबिल्ट उसने मतलब ट्राई कर लिया मेरा, तो मेरे को मतलब क्या सेल्फी खींचने की जरूरत नहीं रही। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई ऑनलाइन हो चुका मैं और यहाँ पे ऑर्डर ढूंढ रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी जोन के सेंटर में, क्योंकि अपने को ऑर्डर वहीं से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ तो आसपास में कोई रेस्टोरेंट है नहीं भाई। तो दोस्तों अभी ऑनलाइन हो चुका हूँ और अभी चलते हैं सबसे पहले तो भाई जोन के सेंटर में और मिलते हैं आप लोगों से फर्स्ट ऑर्डर के साथ। वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बना रहिए भाई। जो भी दोस्तों रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूंगा, बाकी दोस्तों ऑर्डर टू ऑर्डर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। चलिए सबसे पहले तो चलते हैं भाई जोन के अंदर और मिलते हैं आप लोगों से फर्स्ट ऑर्डर के साथ। क्या भाई नहीं ज्वाइनिंग है क्या? नहीं ज्वाइनिंग है आपकी? नहीं ज्वाइनिंग है क्या? तो बैग वैग नया लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। नया लिया अभी है ना, ऑर्डर लग रहे हैं। पार्ट टाइम हो फुल टाइम? फुल टाइम हो। अच्छा अभी थोड़ा कम लग रहा है ऑर्डर, शाम को संडे के हिसाब से यार ज़्यादा लगना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों अपने को अपना पहला ऑर्डर मिल चुका है और यहीं आगे भाई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से अपने को ऑर्डर पिकअप करना है। तो जल्दी से चलते रेस्टोरेंट पर ऑर्डर पिकअप करते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। 220 का कर दो, 220 का, 220। हाँ आपने कितना किया? 120, 220 लगाओ। रीडिंग आएगा, भाई को बोला था 220 का करना, भाई ने लगा दिया 120 का। तो फिर भाई ने बोला कि कितने का करना, पूछ लिया मेरे को भाई ने, तो ठीक है फिर मैंने बता दिया, उन्होंने वापस से रद्द कर दिया, रद्द करके 220 का करवा दिया। और साहब बढ़िया, शायद अगर मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होता तो शायद 120 का तेल मिलता मेरे को, क्योंकि पैसा मैंने दूसरे भाई को दिया था, वो साइड में भाई जो है पैसा काउंट कर रहा था, उसी के पास थे सारे पैसे और वही कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। और एक भाई तेल भर रहा था, उसने 120 लगा लिया। अगर मैं मीटर पर ध्यान नहीं देता तो 120 का आता, क्योंकि यार उसको भी पता नहीं था, उसकी गलती भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस भाई ने मेरे को फिर से पूछ लिया कितने का करना है, तो मैंने बताया 220 का करना है, तो आता तो उसने रद्द करके 220 का कर दिया। अगर ध्यान नहीं देता तो उसको भाई को पता नहीं था ना, तो 120 का आता मेरा तेल। तो ध्यान रखा करो भाई जब तेल भरवाते हो तो मीटर पर ध्यान रखा करो, है ना, सावधानी बहुत ज़रूरी है। हवा सा बढ़िया एकदम ठीक रहते बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी यहाँ से दूसरा ऑर्डर पिकअप कर लिया, तो चलो भाई इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। पहला ऑर्डर दिया था भाई, उसके बाद मैं वापस जोन के अंदर आया, लगभग 3-4 किलोमीटर राइड की, पेट्रोल वगैरह भरवा के, और उसके बाद भाई अपने को दूसरा ऑर्डर भी मिल गया। तो अभी दूसरा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, इसको डिलीवर करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों अपना दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया और अभी तीसरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं भाई जोन के सेंटर में, क्योंकि अभी जोन के काफ़ी बाहर आ चुका हूँ मैं, तो अभी जोन के सेंटर की ओर बढ़ रहा हूँ, वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह जाता है, तो वैसे ऑर्डर अपने को मिलने वाला है, यहाँ से रुकने का कोई मतलब नहीं है भाई। दोस्तों अभी रास्ते में चलते हुए तीसरा ऑर्डर भी अपना लग गया भाई, और अभी जस्ट पहला ऑर्डर लिया था जलामंड हाउस से, वहीं से अपना जो है तीसरा ऑर्डर भी लगा। तो जल्दी से चलते हैं, 5 किलोमीटर का ऑर्डर है, लगभग 50 रुपये की अर्निंग इस ऑर्डर से होने वाली है, तो पता नहीं भाई संडे को थोड़ा अर्निंग ज़्यादा देता है जोमेटो। तो चलो भाई इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। यार बड़ा वाला हो गया ना पिज्जा, हाँ है एक राइडर, भेजता हूँ जोमेटो में हो गया वो ऑर्डर, ले लो। लो जी अपना तीसरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, अभी इंतजार करते हैं भाई चौथा ऑर्डर का, यहाँ पे जमा करते हैं 5 स्टार अर्निंग देख लेते हैं आप लोगों को। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, हर ऑर्डर में बताऊँगा 50 रुपये से 63 पैसे की अर्निंग हुई, 35 मिनट लगा इस ऑर्डर में, क्योंकि थोड़ा रेस्टोरेंट से काफ़ी लेट हुआ भाई, 15 मिनट 16 मिनट। चलो मिलते हैं भाई आप लोगों से चौथे ऑर्डर में। गाइज अभी 9:30 बज गए हैं भाई, और अर्निंग आप लोगों को बता दो भाई 135 रुपीज़ की अर्निंग हुई है, और भाई 350 पे इंसेंटिव है, 350 रुपये पे 125 रुपये का इंसेंटिव है। तो फिलहाल भाई टाइम 9:30 बज रहे हैं और 12 बजे तक मैं काम करने वाला हूँ। तो भाई आपको क्या लगता है इंसेंटिव मिल पाएगा? तो 2 घंटे से ऊपर हो गए भाई मेरे को लॉग इन हुए हुए, ठीक है, और 3 ऑर्डर कम्प्लीट कर लिए। देखते हैं भाई चौथा ऑर्डर कब आता है और क्या टारगेट कम्प्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में एंड में आप लोगों को बताएंगे। अगर टारगेट कम्प्लीट नहीं हुआ ना गाइज, तो आज के बाद भाई जोमेटो पे नहीं दिखूंगा, और दिखूंगा तो भी बहुत कम दिखूंगा। मैसेज आ गया,
नहीं आया, आ गया? नहीं नहीं मेरी तरफ से हो गया। ठीक है ठीक है ठीक मोनू भाई। दोस्तों अभी भाई गोवा जाने की उम्र है और चौथा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, और टाइम की बात कर तो भाई 9:52 हो गए हैं। चौथा ऑर्डर है भाई मेरे हाथ में और लगभग 47-48 रुपये का ऑर्डर है। तो चलो भाई इसको डिलीवर करते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों पांचवा ऑर्डर मिला है भाई 2 किलोमीटर का और 20 रुपये का ऑर्डर है। तो जल्दी से भाई पांचवा ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद। ऑर्डर है क्या जोमेटो का सर? 45-69। थैंक यू। हाँ बे लोकेशन पे खड़ा हूँ। अच्छा हाँ फोन दिख गया आपका। हाँ मैंने पहले भी बात किया था आपसे। नहीं नहीं मैंने उस साइड में नज़र की नहीं भाई। अभी गाड़ी को बंद कर दिया तेल बचाने के लिए, लगभग 500 मीटर तक ऐसे ही दौड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही बंद कर दी थी भाई पीछे 200 मीटर पहले ही। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो भाई तेल बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। दोस्तों अभी 10:37 हो चुके हैं भाई और अभी मेरे पास है छठा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों छठा ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और अभी तक जो अर्निंग हुई है वो आप लोगों को बता दूँ, अभी तक मेरी अर्निंग 201 रुपये हुई है दोस्तों और टारगेट है इंसेंटिव का 350 रुपये। तो फिलहाल मेरे को जो है 150 रुपये और कमाने, इस ऑर्डर से लगभग 50 रुपये के आसपास अर्निंग हो जाएगी तो अपना 250 रुपये हो जाएगा, उसके बाद 100 रुपये और कमाने। तो भाई अभी 10:37 हो रहे हैं, इस ऑर्डर को डिलीवर करूँगा तब तक 50 मिनट के आसपास अपना टाइम हो जाएगा, उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट मेरे पास बचेगा, उसमें 100 रुपये कमाने हैं मेरे को, तब मेरा इंसेंटिव का टारगेट पूरा होगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइस 10:54 हो गए भाई और अपना छठा ऑर्डर कंप्लीट करके आ गया मैं, और अभी वापस फिर से जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला था उसी रेस्टोरेंट के आसपास में मैं रुकूंगा भाई, ताकि यहाँ से कोई और ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि पास में ही भाई एक और रेस्टोरेंट है चाय की चुस्की, यहाँ से भी मतलब लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं मेरे को, पिछली बार भी कई बार मिले थे ऑर्डर। तो यहाँ पे भाई रुकते हैं थोड़ी देर, देखते हैं ऑर्डर यहाँ से मिल जाएगा, 100% श्योर हूँ। दोस्तों अभी 7वां ऑर्डर मिल चुका है भाई और यहीं पे है भाई, 800-900 मीटर बता रहा है रेस्टोरेंट का लोकेशन। तो चलिए भाई इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों अभी 11:34 हो चुके हैं भाई और अपने 7 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और 275 रुपये की अर्निंग हुई है। ठीक है 350 का टारगेट है, तो अभी अपने पास टाइम पड़ा है भाई आधा घंटा, तो आधा घंटे के अंदर जो है अपना 350 रुपये का टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। अगर एक ऑर्डर बड़ा ऑर्डर मिल जाए 90 रुपये का तो अपना टारगेट हो जाएगा पूरा, और नहीं मिलेगा तो भाई आज टारगेट अपना कंप्लीट नहीं होगा, फिर तो भाई कोई मतलब ही नहीं है अपना जो है जोमेटो पे 7 बजे आने का। ठीक है क्योंकि मैं 7 बजे फ्री होता हूँ भाई, और 7 बजे के बाद में अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो फिर क्या मतलब है। बचत दोस्तों इंसेंटिव की है जिसे तेल खर्चे में मदद मिलती है दोस्तों, और बाकी जो ऑर्डर अर्निंग होती है उसकी थोड़ी बचत हो जाती है, बाकी यार कोई बचत नहीं है ज़्यादा, कोई खास बचत नहीं है, ऑर्डर से कुछ नहीं बचत होती है, तेल आता है 150 रुपये से क्या होता है, इतना तक भाई गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा आ जाता है, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भाई। दोस्तों अभी रास्ते में चल ही रहा था और मेरे को मिल गया भाई 8वां ऑर्डर, 66 रुपये का ऑर्डर है भाई, शायद यहीं पे भाई रेस्टोरेंट है। तो चलो यार देखते हैं कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कौन सी है, फ़ोन करेंगे रेस्टोरेंट पे क्योंकि बता तो यहीं पे रहा है भाई, देखते हैं। तो भाई बता तो यहीं कर रहा है, अंदर चल के देखते हैं कहाँ पे है रेस्टोरेंट। तो भाई अभी अपने को लिफ्ट से जाना पड़ेगा 4th फ्लोर पे और वहाँ पे है अपना ऑर्डर, तो लिफ्ट नीचे आ रही है भाई 0 पे आ गई, अभी दरवाज़ा खुलने वाला है, अंदर चलते हैं और ऊपर चलते हैं भाई 4th फ्लोर पे ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है 4th फ्लोर लगा दिया, आप लोग देख सो रेड आ रहा है यहाँ पे, लाइट डली हुई है, तो अभी चलते हैं 4th फ्लोर पे ऑर्डर लेके आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों अगर अच्छे राइडर बनना चाहते हो ना तो कभी भी ये गलती मत करना, अभी आप लोग देख सकते हो एक सिर्फ मोटरसाइकिल निकलने जितनी जगह है सामने की तरफ, और भाई ये ट्रक चल रहा है सिंगल लाइन है रोड की, इसलिए मतलब जगह नहीं मिल रही है और मैं यहाँ से निकाल नहीं रहा हूँ। रीजन ये कि दोस्तों यहाँ पे जो है हर रास्ते में जो है ऊपर खबर जगह आ रही है, कहीं साकड़ी जगह आ रही है, कहीं चौड़ी जगह आ रही है, तो यहाँ पे भिड़ने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो अभी थोड़ी बड़ी रोड आएगी तब मैं जो है यहाँ से निकालूंगा, अभी ज़्यादा अभी आप लोग देख सकते हो भाई ज़्यादा जगह हो गई तो मैं यहाँ से गाड़ी को निकाल दूंगा, बिना जगह बिल्कुल भी मत निकालिए, जब तक पूरी जगह ना बने, जब तक एक 4-व्हीलर गाड़ी की जगह ना बने ना तो वहाँ से गाड़ी मत निकालिए दोस्तों, वहाँ पे पूरा पूरा खतरा है, अगर थोड़ा सा भी अगर ट्रक से अड़ गए ना तो गए काम से भाई, क्योंकि यार मोटरसाइकिल के लिए एक छोटा सा टच ही बहुत है ट्रक के द्वारा उछल जाएगी, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना एक अच्छे राइडर बनना चाहते हो। तो टाइम भले ही लग जाए आपको, 5 मिनट लेट हो जाए ऑर्डर में या फिर कहीं जाना हो तो 5 मिनट लेट हो जाए तो गम नहीं भाई, लेकिन इस तरह के रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी आपको।
तभी आप एक अच्छे राइडर कहलाओगे। हालांकि मैं अपने आप को एक अच्छा राइडर नहीं बता रहा हूँ ये कह के, क्योंकि मैं भी कई बार कुछ गलतियाँ करता हूँ और सीखता भी हूँ, हर बार सीखता हूँ, और जो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी 8 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया और टाइम की बात कर जो दोस्तों 12:12 और टाइम की बात कर तो दोस्तों 12:12 हो चुके हैं और भाई टारगेट तो आज फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। इतनी मेहनत करने के बाद 342 रुपये की अर्निंग हुई है और काम किया दोस्तों मैंने कुल मिला के 4:45। ठीक है और अभी 5 घंटे हो जाएगी क्योंकि 12:12 हो रहे, 15 मिनट ये हो गए, कुल मिला के 5 घंटे हो गए। ठीक है 12 बजे से पहले पहले जो काम किया था दोस्तों वो किया था भाई 4:45। ठीक है 4:45 मैं लॉगिन रहा और 4:45 काम करने के बाद भी ये अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट ऑर्डर भाई 12:10 मैंने जो कंप्लीट किया, लगभग मैंने 5 घंटे काम किया और 5 घंटे के बाद भी 350 रुपये का टारगेट अपना कंप्लीट नहीं हुआ। भाई डिनर में काफी ज्यादा ऑर्डर रहते हैं लेकिन पता नहीं यार ऑर्डर भी कम दे रहा था, जो मटो काफी टाइम से दे रहा था। चलिए दोस्तों अभी अपन तो ऑफलाइन हो चुके हैं और घर पे चल के आप लोगों को बताऊंगा भाई, प्रॉपरली बताऊंगा कि भाई कितनी क्या गाड़ी चली, कितना तेल खर्चा हुआ और कितनी क्या अर्निंग हुई है, जो बचत हुई है, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। ठीक है सब कुछ आप लोगों को घर पे चल के बताऊंगा क्योंकि अभी काफी ज्यादा थक चुका हूं और बोल भी नहीं पा रहा हूं भाई। ठीक है अभी प्रॉपरली आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, सुबह आप लोगों को बताऊंगा घर पे जाके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर पे। दोस्तों अभी टाइम हो रही है सुबह का 8:55 और अभी आप लोगों को बता दो भाई कल शाम की जो जोमेटो की अर्निंग हुई है वो कितनी हुई है। तो चलिए भाई लेके चलता हूँ आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर, वापस चल के आप लोगों को बता दो भाई कल शाम की अपनी जोमेटो की अर्निंग क्या हुई है और लास्ट में आप लोगों को मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है जोमेटो का जो इंसेंटिव को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला, उस पर आप लोग अपनी राय देना जरूर। ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को अर्निंग दिखाता है मोबाइल की स्क्रीन पर चल के। जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को करते हैं ओपन और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई दूसरे दिन में दिखा रहा है भाई 12 बजे के बाद में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे मिला वो 12 बजे के बाद में दिखा रहा है। अगर 12 बजे से पहले दिखा दिया होता तो मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है यहाँ पे आप लोगों को भाई भुगतान के अंदर लेकर चलता हूँ कल शाम की जो अर्निंग हुई है, ये तो 12 बजे की बात की है, 9 रुपये 48 पैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ठीक है तो यहाँ पे जो है अपन तारीख सेलेक्ट करते हैं, 26 तारीख को काम किया था, अभी आप लोगों को बता दो 27 मार्च है। ठीक तो यहाँ से भाई जल्दी से तारीख सेलेक्ट करते हैं अपन 26 मार्च। यहाँ पे दोस्तों 42 रुपये बता रहा है, ऊपर नीचे 348 बता रहा है, एक्चुअल अर्निंग जो है 348 हुई, 5 रुपये माइनस है जो कि पहले गिग्स बुक किए थे उनकी जो है पेनल्टी है। ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4.8 आवर्स मैंने काम किया, लगभग दोस्तों 4:45 मैंने काम किया, 8 ऑर्डर कंप्लीट किया, 8 ट्रिप लगाई और यहाँ पे अर्निंग आप लोग देख सकते हो भाई 342 रुपये और टारगेट है भाई 350 रुपये पे 125 रुपये का इंसेंटिव। ठीक 5 घंटे मैंने काम किया लेकिन यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं हुआ और संडे भी था। ठीक है ऑर्डर भी आ रहे थे तो ये टारगेट मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलिए इसको पेट्रोल वगैरह खर्चा निकालते हैं यहाँ से। ठीक है 342 में से हम जो है 170 रुपये माइनस करेंगे 342, क्योंकि दोस्तों अपनी गाड़ी 85 किलोमीटर चली है तो 85 से गुणा कर देंगे हम लोग 2 से तो 170 रुपये होंगे। तो चलो यहाँ पे 348 लगा लेते हैं चलो। ठीक है 48 माइनस 170 178 रुपये की अर्निंग हुई 5 घंटे में मेरी। यहाँ पे ऊपर वाले 27-28 रुपये निकाल देंगे तो भाई 150 रुपये बचेंगे अपना। ठीक है तो 150 रुपये की बचत है भाई 5 घंटों के अंदर जोमेटो के अंदर। बताओ आप कैसे मतलब चलेगा सिस्टम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई कल शाम की जो अर्निंग हुई थी, जो 5 घंटे मैंने काम किया, लगभग 12:10 में मैं ऑफलाइन हुआ था। ठीक है क्योंकि मेरे पास 12:10 तक मेरे पास एक ऑर्डर था, उसको डिलीवर किया लगभग 5 घंटे मान लीजिए 4:45 12 से पहले और 10 मिनट वो गए लगभग। ठीक है 5 घंटे मैंने काम किया, 5 घंटों मेरी बचत जो हुई है वो 178 रुपये हुई और दोस्तों 178 रुपये में से मेरा छोटा मोटा 20-30 रुपये का खर्चा भी निकाल दिया जाए तो 150 रुपये की बचत हो रही है। ठीक है पहले जो टारगेट था 7 ऑर्डर कंप्लीट करने पर इंसेंटिव देता था, उस टारगेट में भाई थोड़ी बहुत बचत हो जाती थी 250 से 300 रुपये मेरा हो जाता, बट दोस्तों अब आधी हो गई क्योंकि यार ये टारगेट पूरा ही नहीं होता। 7 बजे के बाद जाता हूँ तो मैं ये टारगेट पूरा कर नहीं पाता हूँ। ठीक है कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत गाड़ी भगाई लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जोमेटो को ये टारगेट जो कम करके 225 या 250 रुपये के आसपास करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों स्विगी में है 225 पे 100 रुपये का इंसेंटिव, जोमेटो भले भाई 125 की जगह 100 रुपये कर दे इंसेंटिव लेकिन टारगेट कम करना चाहिए इनको जो है, जो पैसे कमाने का जो 350 रुपये का है ना उसको कम करके दोस्तों 225 या 250 के आसपास लाना चाहिए। ठीक है तो मुझे तो ये टारगेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये कंप्लीट होता ही नहीं है दोस्तों। रीजन क्या है, मैं भाई जाता हूँ 7 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करता हूँ, 7:15 से 12 बजे तक। ठीक है और जो 6 बजे से जाता है उनका तो भाई हो सकता है टारगेट पूरा हो जाए बट मेरा तो टारगेट पूरा नहीं होता है। तो 7 बजे से जो आता है राइडर, क्योंकि यार अपना फुल टाइम जॉब है इसलिए छुट्टी भाई 7 बजे होती है, तो अपने लिए तो भाई जोमेटो का ये टारगेट बिल्कुल भी बेकार है। ठीक है तो मेरे काम का तो नहीं है और जोमेटो वाले अगर 225 से 250 रुपये के आसपास करते हैं तो मैं जोमेटो पे काम करूंगा, अदरवाइज दोस्तों आज के बाद जोमेटो के व्लॉग्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे या फिर मिलेंगे तो दोस्तों बहुत कम देखने को मिलेंगे, कभी कभी जाऊंगा। ठीक है बाकी यार आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई ये टारगेट सही है या फिर गलत। काफी सारे लोग भाई कमेंट करके बता रहे थे ये टारगेट ज़्यादा है भाई, ये पूरा होता ही नहीं है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर आप लोग काम करते हैं तो होता ही नहीं है टारगेट, क्योंकि मैं भी भाई संडे को काम कर रहा था क्योंकि संडे कोई भाई ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं और उसी दिन में ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो समझ लीजिए ये टारगेट ज़्यादा है। 225 से 250 के आसपास जोमेटो को करना चाहिए ये टारगेट, तब राइडर को थोड़ा फायदा होगा क्योंकि यार इंसेंटिव से ही हमारे पेट्रोल की बचत होती है, 100 रुपये भी अगर मिलता है तो 100 रुपये की भी बचत है। ठीक है अभी 150 रुपये मेरा बचे, अगर इंसेंटिव 100 रुपये का भी मिल जाता ना 250 रुपये की अर्निंग हो जाती, 50 रुपये घंटे से मेरा पड़ जाता है, बट दोस्तों नहीं हो रहा है,
बेहतर है कि भाई मैं ओवर टाइम कर दूँ जॉब में, वहाँ पे 200-250 रुपये वैसे ही हो जाएगा, 2-3 घंटे काम करूँगा, ठीक है, 5 घंटे काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो बाकी यार आप लोगों की यार आई है ये थी अर्निंग जो कि आप लोगों को बता दी, और मुझे तो ये टारगेट बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बिल्कुल बेकार है। अगर कम करेगा तो ठीक है, जोमेटो पे काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और यार आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट दिखाइए भाई को, और भी मतलब आगे अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। और अभी रैपिडो पर ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस तैयार करवा के रैपिडो में भी काम करने वालों, वहाँ पर भी हम लोग देखने वाले कितनी क्या अर्निंग होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।